मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के रफ़का के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापामारी पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए आज कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी के लीडरान के घर पर छापामारी क्यों नहीं की जा रही है, क्या बीजेपी के लिए कोई ईडी और कोई सीबीआई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आज भी अपने उस मौकफ पर कायम है कि अगर हुकूमत तब्दील होती है और कांग्रेस बरसर इक्तदार आती है तो किसानों को उनकी मेहनत का फल दिया जाएगा, खवातीन को तहफ्फुज़ दी जाएगी और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उनके ऊपर कहीं ना कहीं एजेंसी शिकंजा का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये चुनाव के दिनों में हो रहा है। कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है कि उनके यहाँ पे कोई गया हो, उनके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, उनके लिए कोई सीबीआई नहीं है, कोई ईडी नहीं है। ये मेरा सवाल है, हम लोगों की उनको दोबारा उम्मीद और विश्वास देना चाहते हैं कि देश सुरक्षित होगा सत्ता परिवर्तन के बाद, और कांग्रेस वचनबद्ध है समाज के हर उस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जिसको वंचित किया गया उनके अधिकारों से। हमारा वचन है देश के किसानों को कि उनको उनकी मेहनत का, उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। हमारा वचन है देश के नौजवान को न्याय का कि उसे रोजगार मिलेगा, उसे काम मिलेगा। हमारा वचन है हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, उनको न्याय मिलेगा 72,000 एक साल का जब हम देंगे। हमारा वचन है